श्री राम जन्मभूमि मंदिर कार्यशाला जहां पर पत्थरों पर नक्काशी हो रही है। किस तरह से नक्काशी हो रही है ये आज हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव। चलिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जी हाँ, जिस ट्रस्ट के जरिए ये सारा काम हो रहा है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको पत्थरों के बारे में बताया जो शिलाएं इस विष्णु परिषद की कार्यशाला में रखी हुई हैं उनके बारे में बताया। अब हम आपको दो पत्थर दिखाने जा रहे हैं जिन पर नक्काशी की जा रही है, जिनको चमकाया जा रहा है। ये आपको पीछे देखिए सारे बड़े पत्थर हैं जिनको चमकाया जा रहा है। ये देखिए इस पत्थर से ये पुरानी शिलाएं हैं, वक्त के साथ एक थी लेकिन धीरे धीरे कर जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला के दूसरे पार्ट में अब हम यहाँ पर आए हैं। पहले हमने छोटे पत्थरों को आपको तराशते हुए दिखाया, अब हम आपको बड़े पत्थर दिखा रहे हैं किस तरह से तराशे गए। इन पत्थरों पर जरा नजर डालिए, ये वही पत्थर हैं जो राजस्थान से आए हैं, पिंक सिटी से आए हैं, बंसी पहाड़पुर वाले पत्थर हैं। और इन पत्थरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पत्थरों को एक साथ रखा गया है और उसके बाद इस पर नक्काशी को उकेरा जा रहा है। पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से तैयार होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो पहले हल्का हल्का डिज़ाइन तैयार किया गया है, उसके बाद इस पर नक्काशी तैयार होगी और उसके बाद धीरे 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 इधर की तरफ आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर असली वाली आपको नक्काशी नज़र आने लग जाएगी। यानी यहाँ पर आप समझिए कि एक तरह से ये मैप है और उसके बाद इसको यहाँ पर मूर्त रूप दिया जा रहा है, उकेरा जा रहा है। ये इनके औजार हैं जिनसे आप नक्काशी देख रहे हैं। अगर बारीक नक्काशी करनी है तो ये बारीक वाला अपना औजार उठाते हैं और धीरे धीरे बहुत सोच समझ कर एक तय वजन के साथ कहाँ पर कितनी चोट मारनी है उसको बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं ये सारे कारीगर। बहुत सारे गुजरात से आए हुए हैं, बहुत सारे राजस्थान से आए हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी कारीगर दिन रात मेहनत कर इन पत्थरों को उकेर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बतख आपको नज़र आएगी और ये उसकी चोंच है और ये इधर एक बतख नज़र आएगी, ये एक फूल नज़र आएगा, अंदर आपको फूल नज़र आएंगे, ये एक बड़ा फ्लावर नज़र आएगा। बहुत बारीकी से बहुत सोच समझ कर ये यहाँ पर इस पत्थर को तराश रहे हैं। देखिए धूप है, कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से ये इन पत्थरों को उकेर रहे हैं वाकई में प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं। तारीफ करनी होगी इन कारीगरों की जो इतनी दूर से अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये कार्यालय है। ये वो कार्यशाला है जो बहुत ऐतिहासिक है। यहीं पर ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं जो क्रेन से अब ले जाए जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि जहाँ पर है और जहाँ पर श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर इस वक्त बन रहा है। ये वही शिलाएं हैं जो बहुत पहले यहाँ पर आ गई थी, उसी वक्त से ये शिलाएं इंतज़ार कर रही थी कि ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर इस वक्त भव्य राम मंदिर बन रहा है। और अब वो समय आ गया है जब इन शिलाओं को, जो बहुत पुरानी हैं, बहुत ऐतिहासिक हैं, इन शिलाओं को अब धीरे धीरे एक एक कर मंदिर वाली जगह पर ले जाया जा रहा है। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप अनुमान लगाइए कम से कम 20 से 25 सालों से ये नक्काशी की हुई शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन अब जाकर इनको इनका सही स्थान मिल रहा है। क्रेन यहाँ पर आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक कार्यालय है। काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। आप देखिए, एक क्रेन आती है, उसके बाद दूसरी क्रेन, दो क्रेन भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पत्थरों को आगे लेकर आया जा रहा है और उसके बाद इन पत्थरों को धीरे धीरे वहाँ पर ले जाया जाएगा जहाँ पर मंदिर बनना है। ये देखिए, ये सारी नक्काशी वाली शिलाएं, इन पर नक्काशी हो रखी है। और इस पत्थर को आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये पत्थर, ये देखिए, इसको दूसरे पत्थर में फिट कर दिया जाएगा। यानी ना इसमें सीमेंट लगेगी, ना इसमें रोड़ी बजरा लगेगा, सिर्फ इनको दूसरे पत्थर में फिट कर दिया जाएगा। और ये इतनी अच्छे से फिट हो जाएंगे 1000 साल तक ये पत्थर कहीं नहीं लेंगे। हालांकि कुछ शिलाएं ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन इन शिलाओं को अब चमकाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। आप इनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है।
इसके बाद इनको पॉलिश किया जाएगा, दोबारा से इनको पॉलिश किया जाएगा, और उसके बाद जब ये चमक के चमकेंगी निखरेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से भव्य और दिव्य राम मंदिर में जब ये लगेंगी तो मंदिर का रूप ही बिल्कुल अलग होगा।